दूसरी चीज जो अकीदत तो बाद जिसकी बड़ी अहमियत है और इंसानियत ने इससे पहले कभी यह मंजर नहीं देखे वो इंसानी वहदत और मसावत का सबक है यह उसका आती है इस्लाम के आने से पहले कोई ज़मीनी और आसमानी मज़ब ऐसा नहीं था जो तमाम इंसानों को बराबर करार देता हो ना आसमानी मजाहब में ये चीज़ मौजूद थी ना ज़मीनी मजाहब में ये चीज़ मौजूद थी ये जिस खत्े में हम हैं ये हिंदुस्तान जो कहलाता है यहाँ पर यहाँ की ज़ात पात का निज़ाम तो आपको अच्छी तरह पता कि ये चार चार दर्जात हैं इंसानों के और एक दर्जे वाला जो उस घर ब्रह्मन है ये क्या कहते थे और उनको आ, एक सबसे नीचे शूदर थे उसे ऊपर जो थे कतरी थे उसे ऊपर वेश थे शायद और उसके ऊपर ब्रह्मन सबसे ऊपर ब्रह्मन है अब ये पैदाश की पैदाइशी तकसीम है इस तकसीम को कोई नहीं मिटा सकता इसका साया भी उस पर पड़ जाए ये इसकी गर्दन उतार देनी चाहिए इसने उसके बर्तनों को हाथ लगा दिया इसके हाथ तोड़ देने चाहिए और और जो जो, जो निज़ाम था यहूदियों के यहाँ तो पैगम्बरों का मजहब था ये तो सैकड़ों हजारों अम्बिया बनी इसराइल में गुजरे हैं मगर उनके यहां भी एक तस्वर मौजूद हजूर अकरम सल्लाम की नबूत को बनी इसराइल के लिए तस्लीम करने में सबसे बड़ा आर यह था कि वो ये समझते थे कि हम बनू इसहा और हमारे यहाँ नबूत चली है दर्जा यानि सिलसिला सिलसिला और पे दर पै और अब हम बनु इस्माइल के लिए इस फखर और इस शरफ़ को कैसे मान लें कि अब हम कहें कि नबूत उधर चली गई बनु इसहाक़ के यहाँ सिलसिला ख़त्म हो गया और अब नबूत बनु इसमाइल के यहाँ चली गई उनकी तरफ मुंतकिल हो गई और नखनू अबना वाहबा वो कहा करते थे कहा करते हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के महबूब हैं हम बनी इसराइल जो हैं नखनों से मुराद ये नहीं कि सारी इंसानियत हम बनी इसराइल जो है हम लोग जो नबियों की औलाद हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के महबूब हैं और हम एक और बिल्कुल इंसानियों के अंदर इंसानों में ख़ास किस्म है हमारी जो अल्लाह ताला ने तय कर दी है बाकी इंसानियत चाहे अपने अंदर जितने भी कमालत पैदा कर ले चाहे अपने अंदर जितने भी फजाइल असाफ पैदा कर ले चूंकि वो जन्म के अतबार से बनी इसराइल या हमारे जैसे नहीं है तो वो वैसे नहीं हो सकते इस माहौल में जहां पर इंसान जन्म के जहन्नमी और जन्म तबार से जन्नती करार दिया जाता था वहां पर इस्लाम आया और कहा कि इन अकरम अकुम को कि यहां तुम्हारी कीमत लगेगी तुम्हारे अमाल के बकदर कता नजर इससे कि तुम कहां पैदा हुए हो तुम किस घर में पैदा हुए हो तुम किस नस्ल से तुम्हारा ताल्लु है किस नसब से तुम्हारा तल्लु है किस खानदान से तुम्हारा तल्लु है किस रंग से तुम्हारा तल्लु है किस नस्ल और किस खिते से तुम्हारा ताल्लुक है कैसी गुर्बत और कैसी इमारत से तुम्हारा ताल्लुक है इस्लाम ने यह मेरा मसला नहीं अल्लाह के यहाँ कीमत इस पर नहीं है अल्लाह के यहाँ कीमत तुम्हारे तुम्हारे अपने इख्तियारी अमाल पर है वह अमाल जिसका इख्तियार तुमको दिया गया है तुम उन अमाल को कैसे करोगे कैसे बरतोगे उसके मुताबिक अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कीमत लगेगी इन नकरम अकम हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने दो किस्म की वहदतों का का पैगाम दिया एक तो यह कि अल्लाह की वहदत के सारे इंसान उसके ऊपर इकट्ठे हो जाए जिसको आप वहदत रब कह सकते हैं कि वहदत रब के रब एक है वह तोद से आई और फिर एक दूसरी वहदत बताई जो वहदत अब की वहदत है कि बाप भी एक है तुम सब का एक बाप है जितने लोग भी हो आदम की औलाद और एक वालद से पैदा हुए हो तो जब यह पैगाम उस आप सोचिए उस माशरे में गया जहां पर इतनी तकसीम है जहां उसके उसको समझने के लिए पहले उस सितम को समझना जरूरी है जो जात पात की बुनियाद पर हो रहा था जिसकी वजह से एक, एक, एक इंसान चाहे जितनी सलाहियतें लेकर और जितने कमालात लेकर और जितनी मेहनत कर कर वो कर रहा हो मगर अगर वो पैदा एक शूदर घराने में हो गया तो वह शूदर है और उसका साया भी ब्राह्मण पर नहीं पड़ना चाहिए उस माहौल के अंदर जब यह आवाज पहुंची होगी कि तुम सब एक बाप की औला दो और तुम में से किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं तुम में से कोई किसी से अफजल नहीं है तुम सारे अल्लाह की निगाहों में एक जैसे हो तुम्हारी कीमत अल्लाह के यहाँ जो लगेगी वो तुम्हारे अमाल पर लगेगी तुम्हारी कीमत जो लगेगी वो तुम्हारे तुम्हारे किए हुए कामों के ऊपर होगी उसी के मुताबिक अल्लाह तला तुम्हारे लिए कितनी कितना बड़ा अतिया था इंसानियत के नाम पर और उस लोगों ने जो जो इस चक्की में पिस रहे होंगे ज़ा पात के निजाम में जो इंसानियत की तकदीस के अजीब व गरीब देखिए पादरी भी इंसान होता है और आम आदमी भी इंसान होता है कहते हैं नहीं ये आम इंसान जो है ये जाकर पादरी के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करेगा और फिर पादरी उसे गुनाहों को माफ करेगा हैं जी अब ये इंसानों में कुछ एक ग्रोह को मुकदस करार दे दिया जाता है इसी को पपाइत कहते हैं कि जहां पर कुछ इंसान ऐसे हैं जो मुकदस हैं अब ये मुकदस इंसान आपको इस वक्त भी बाज मजाहब का पता होगा कि जहां पर उनका इमाम जो है वो मुकदस है किसी भी गुनाह से वो आलूदा नहीं होता किसी भी गुनाह से इमाम आलूदा नहीं होता इसलिए कि वो वो इमाम है उस पर कोई गुनाह असर नहीं करता उसकी उसके, उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जो आम आदमी है वो पैदाइशी गुनागार है वो चाहे गुनाह ना भी करे तो गुनागार है और अपने ना, अपने नाकरदा गुनाहों की भी माफ़ी के लिए वो इन्हीं इन बड़े गुनागारों की खिदमत में हाजिर होकर अपने नाकरदा गुनाहों की माफिया मांगेगा और ये जो पैदाइशी साले हैं जो हमें कभी गुनागार नहीं होते ये इन आम, लोगों को जो जि, जिसने चाहे गुनाह ना भी किया उनको ये माफ़ करेगा तो ये लोग इस गोरख धंधों में इंसानियत थी और वहां पर यह पैगाम लाया गया कि किसी किसी इंसान को किसी इंसान पर कोई फजीलत हासिल नहीं अल्लाह के दरबार में सारे बराबर हैं अल्लाह ताला तुम्हारे शक्लों को नहीं देखता अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता तुम्हारे दिलों को देखता है तीसरी जो एक तो इंसानों की मसावत है बराबरी है कि सब इंसान बराबर है जितने लोग बैठे हैं ए बनी आदम कुरान ने जा बजा खिताब किया ना या यून नाज से भी किया या बनी आदम से भी किया ए आदम की औलाद ताकि वह अगले अगले मरलों की तकसीम है बनो इसहाक़ की और बनो इसमाइल की वो भी किसी जहन के जहन में ना आए आदम आलाम एक बाप की औलाद अगर ये तसवर इंसानों के जहन में रासिक हो तो आप बताइए कि क्या उस तसवुर जब यह आदम आदम की औलाद होने का और फिर आगे चल कर हजूर की उम्मत होने का ये तस्वुर मुस्तज़र हो क्या इसके बाद कोई और शनाख्त रह जाएगी इंसानों के दरमियान कोई और वजह फखर रह जाएगा इंसानों में कि तफाखुर उसकी बुनियाद पर हो फखर उसकी बुनियाद पर हो तारफ़ उसकी बुनियाद पर तफाखर वाला तारफ़ उसकी बुनियाद पर हो